ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, हम आज इस परिवेश में जो जीवन जी रहे हैं, हमें कई बार बच्चों को या बड़ों को बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं चलता, ये सही है गलत है, या दोस्तों की संगत में रंगत में चढ़कर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ आदतें लगा बैठते हैं, जिसमें कुछ नशे हैं, कुछ चाय आदि की आदतें हैं, कुछ हस्तमैथुन आदि जैसी आदतें हैं, कोई भी आदत। हम हर आदत के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आपको कोई भी बुरी आदत जिसको छोड़ना है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आपको कोई भी आदत, कैसे भी आदत लग गई है, आप पहले हम ये जान लें आदत लगती कैसे है। जब हम अपने मित्रों से या कहीं व्यवहार कुछ व्यवहार करते हैं, उस समय हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ बातें आती हैं, कुछ स्थितियाँ आती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम कुछ क्रियाएं, कुछ कर्म आदि करते हैं। आप जैसा कि मैंने कहा, हम हर क्रिया की बात कर रहे हैं, हर आदत की बात कर रहे हैं जिससे हम आज वर्तमान में परेशान हैं, जिसे हमें छोड़ना है। हम ऐसे हर विषय पर यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि हमारी आदत का नाम नहीं लिया है तो हमारी आदत इसमें शामिल नहीं है, ऐसा कदापि ना सोचें। कोई भी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, कोई भी वस्तु जो आप छोड़ना चाहते हैं, आपसे छूट नहीं रही है, हम आज उस हर विषय के विषय में यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुने। तो यदि हमें जब वो चीज़ में अच्छाई नज़र आती है तो हम किसी चीज़ को अपना लेते हैं, अच्छाई या कहीं उसमें सुख या कहीं उसमें कुछ आराम मिलता है, तब कोई भी मनुष्य किसी भी क्रिया को या किसी भी चीज़ को अपना लेता है। लेकिन आरंभ में वो क्रिया हमें बहुत आनंददायी, उत्साहित और अच्छी लगती है, तभी तो हमने अपनाया है। लेकिन कई बार ऐसी क्रियाएं हम छुप कर भी करते हैं, तो यदि हमें जानना है ये सही है कि गलत, तो हमें उस क्रिया को खुले आम करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। तो यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमें हमारे बड़े टोकेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारा जो हम करें वो सही है कि गलत है, तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार बड़े भी कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, जैसे नशा आदि करना है, वो छुपा के ही करते हैं। स्वाभाविक है कि अधिकांश जो नशे शुरुआत की जाती है छुपा के की जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है यदि सामने आ गया तो हमारा कुछ अपमान आदि हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि आपको ऐसे कामों में पड़ना नहीं चाहिए, पर आप यदि पड़ गए हैं और अब यदि आपको लगता है कि छोड़ना है, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है जो आज करीब करीब बहुत से लोग पीते हैं, पर अब ऐसा लगता है जैसा हमने वो वीडियो दिया था कि चाय छोड़नी है, अब विषय कहाँ बनता है कि हमें अब चीज़ें छोड़नी है। लग तो गई थी, हमने बहुत से लोगों के उसमें संपर्क में आके और बहुत से तरीके से लगा ली, अब छोड़ने की बारी है, छूटता नहीं है। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि आदत तो लगी, अब छूट नहीं रही, हम इसको छोड़ें कैसे। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको उसमें लाभ मिला, आपको उसमें सुख मिला, फायदा दिखा, आपने उसको कर लिया, पर अब उसमें आपको हानि साफ दिखाई दे रही है कि उस चीज़ से आपको हानि हो रही है, वो आपकी देह को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके स्वास्थ्य को हानि कर रहा है। जब इतनी सारी उसमें गलतियाँ आपको दिखाई दे गई, उसमें बुराइयाँ दिखाई दे गई हैं, तो अब आपके लिए उसको छोड़ना सीधा सा बनता है। मित्रों, एक बात, मनुष्य जो है कोई भी कार्य जब करता है, वो कभी भी, हम कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य जब करते हैं, हम उसमें 100% कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, हम उसको एक कहीं तोल के देखते हैं, हम अपने मानसिक धरातल पर या आध्यात्मिक तो आजकल बहुत कम होता है, पर हाँ व्यवहारिक या शारीरिक धरातल पर उसको तोल के देखते हैं और हमें लगता है कि ये वस्तु, ये क्रिया, ये हमारे लिए लाभकारी है, तो हम उसे अपना लेते हैं। और यहाँ प्रतिशत जो है 50-50 का नहीं, ये फायदा जहाँ दिखता है वो करीब थोड़ा 2-4% में ऊपर होता है, और नुकसान जो दिखता है वो 2-4% में कम होता है, 2-4, 10%, 20% में भी कम हो सकता है। लेकिन अब जब हमें पता चल चुका है कि ये नशा, ये वासना, ये जो भी हमने आदत लगा ली है, वो हमारे लिए अधिकांश हानिकारक है, तो सबसे पहले अब आपको जो क्रिया करनी है उसकी जो हानियाँ हैं, उसके जो नुकसान हैं, उसको अपने मनोमंथन में आरंभ करिए लेना। जैसे माना कि आपको कोई नशा है, सिगरेट, बिड़िया, हस्तमैथुन, कोई भी नशा है, अब आपको अपने भीतर उसकी बुराइयां बिठानी है कि यदि मैं हस्तमैथुन करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, मुझे इतनी हानि होती है, उसकी सारी बुराइयां अपने सामने ले आइए। वैसे यदि कोई नशा करते हैं, उसकी सारी बुराइयां उसकी अपने सामने ले आइए। बुराइयां क्या क्या हैं ये हमने बहुत सारी जगह बताई हुई हैं, नशे की बुराइयां आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, वासना की बुराइयां तो हमने प्लेलिस्ट है धातु रोग उसमें बहुत सारी बता रखी हैं, और नशे की बुराइयां सावधानी, ये
एक हमारी प्लेलिस्ट है सावधानी नहीं ओ आदत सुधार, उसमें आपको उसके लिए वीडियो मिल जाएगा, वहां हमने उसकी बुराइयां बताई हुई हैं। आप जो चीज आपको छोड़नी है उसकी बुराइयां अपने मनोमस्तिष्क में बिठाते जाइए। जिस दिन आपको उसकी बुराइयां हावी से हावी अपने मस्तिष्क में आपने बिठा ली हावी से हावी तरीके से, उस दिन आपके भीतर से आएगा कि बस अब इस क्रिया को नहीं करना, अब इस नशे को नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इतना ज्यादा नुकसान करता है, मेरे लिए इतना अधिक हानिकारक है। आप अपने आप उससे पीछे हट जाएंगे, आप उससे पीछे हटने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इतनी सारी हानियों के बाद भी ये क्रिया मैं क्यों करूं, ये नशा मैं क्यों करूं। आप अपने आप उससे मुड़ने लगेंगे, और मुड़ने के लिए अधिक कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। और उसके साथ यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो हर वीडियो के विवरण में हमने नियम पालन और प्राणायाम की वीडियोस दिए हुए हैं, और आप व्यायाम कैसे करें, अपनी जांच कैसे करें, हमने सारे वीडियोस हर वीडियो में दे रखे हैं, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। और आप हमारा कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें सब में हमने वो चीज़ दे रखी है, नियम पालन प्राणायाम की वीडियोज। उन वीडियोज को आप देखिए, आपके मन को सामर्थ्य मिलेगा। आप जितना प्राणायाम करेंगे, आप जितना नियम पालन करेंगे, आपके कुछ भ्रम दूर हो जाएंगे। जैसे कि एक सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता था, हमें कब्जियत हो गई थी, इसलिए हमने ये नशा करना चालू कर दिया। चाय पीने वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि हमने वो पेट साफ नहीं होता था इसलिए हम चाय पीने लग गए। कुछ लोग कहते हैं सर दुखता था इसलिए हम चाय पीने लग गए। मतलब नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को किसी ना किसी आड़ को देता है। वो कहता है कि हम यदि ये चीज़ नहीं करते हैं हमें बेचैनी बढ़ जाती है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें सर दुखता है, और ना जाने क्या क्या होने लग जाता है। तो जब आपको उसकी बुराइयां दिखाई देंगी तो आप धीरे धीरे अपने आप को स्वयं नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप खुद को नियंत्रित नहीं करते हैं तो कोई आपको नियंत्रित कैसे कर पाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप उसको धक्का भी मार देते हैं, क्योंकि हमने देखा है नशा करने वाले लोग क्या क्या करते हैं, आप धक्का मार देते हैं या उसको गिरा देते हैं। कौन आपकी हर जगह हर इस चीज़ को इतनी जातियों को सहन करेगा, कौन है ऐसा। जब आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो कोई आप पर नियंत्रण कैसे रख पाएगा, कोई आप उस दलदल से कैसे निकाल पाएगा जब तक आप खुद नहीं निकलना चाहेंगे। मित्रों एक बात ध्यान रखें, जब तक हम कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने भीतर से कोई चीज़ नहीं करना चाहते, इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपसे जबरदस्ती कोई चीज़ करवा ले। जब तक आप अपने मस्तिष्क से तैयार नहीं होते, अपने मन से तैयार नहीं होते, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपके साथ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो निर्णय आपको करने, आपको अपनी मजबूरियों को त्यागना होगा, हर उस बुराई को देखना होगा जो आपके नशे से आपके देह में आ गई है, उसको समझना होगा, उसको विस्तार से जानना होगा, और अपने भीतर उसको कड़ाई से मजबूती से बैठाना पड़ेगा कि इतनी सारी हानियों के बाद भी मैं इतना बेवकूफ हूं, इतना मूर्ख हूं कि मैं ये क्रिया कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं कितना विवश हूं, मैं कितनी विवश हूं। अपने आप को समझाइए, अपने आप को बताइए, और तभी आप इन सारी चीजों से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप स्वयं निकालने में सक्षम है, अन्यथा कोई आपको नहीं निकाल सकता। और यदि आप ये करना चाहते हैं, हमने जैसा कि पहले निर्देश दे दिया है, वीडियो विवरण की वीडियोस देखिए, उनमें मेरा नंबर भी है, लेकिन फोन करने से पहले नियम पालन प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि हम सीधा कहते हैं हम आपकी, जब तक आप अपनी मदद नहीं करते हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हम आपकी सहायता तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सहायता स्वयं करना चाहें। तो अपनी सहायता स्वयं करिए, और किसी के आगे लाचार विवश मत बनिए। आप मजबूत बन सकते हैं, आप मजबूर ना बने, आप मजबूत हैं। और यदि कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।